हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय फिलेसी चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक स्टैम्प के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हेनिंग हॉलिक लार्सन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज यही है स्टैम्प का। ये स्टैम्प है जिसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे स्टैम्प का नेम है ये दोस्तों। रिलीज कब हुआ था? 12 जून 2008 को ये रिलीज़ हुआ था। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टैम्प क्यों रिलीज़ हुआ था, कैसे आप इस स्टैम्प को कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्टैम्प कलेक्ट करते हैं तो। दोस्तों स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक़ बहुत लोगों का रहता है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैम्प है। इस स्टैम्प को भी आप अपने स्टैम्प कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कैसे करना है शामिल वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो हेनिंग हॉलिक जो थे वो उनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 97 में हुआ था। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इसी डेट को इनका जन्म हुआ था, जुलाई 4, 1907। और ये कहाँ जन्म लिए थे? कोपेनहेगन इन डेनमार्क। और इन स्टडी कहाँ किए थे वो भी बताया हुआ है, जेजट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में उनका पढ़ाई हुआ था, वो वहाँ पे पढ़े थे वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ बताया हुआ कि ये पायनियर थे, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते थे ना, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उनके बारे में इनको बहुत अच्छा नॉलेज था और उनके लिए इनको ये पायनियर कहा जाता है इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये इनके बारे में। अब इसका मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि इसमें क्या है, इस किस कंट्री में रिलीज़ हुआ था। ये इंडिया में रिलीज़ हुआ था, कॉमेमोरेटिव टाइप है इसका। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, रिलीजिंग डेट दिया हुआ है, सिंगल कंट्री है, न्यू स्टैम्प है। अगर आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करना चाहते हैं न्यू स्टैम्प को, तो आपको philesi.com साइट पे जाना होगा। चलिए मैं साइट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग philesi.com साइट पे आ जाएंगे तो आप लोग को philesi लिखना है इस तरह से, philesi.com लिखेंगे तो आप लोग का ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से आप लोग अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और philesi.com लिखेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे प्रोडक्ट का नेम, तो दोस्तों जो प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे आप सर्च कर देंगे, जैसे हेनिंग, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे हेनिंग लार्सन तो ये स्टैम्प आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टैम्प के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, आपको करना क्या है, ऐड टू कार्ट करना है तो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको कलेक्ट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तब आप ऐड टू कार्ट करें। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को प्रोसीड टू चेकआउट पर करना होगा। प्रोसीड टू चेकआउट पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स आप फिल कर लें, सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लें, और उसके बाद पेमेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख लें, पेपाल और क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पेपाल पे करेंगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और आपके एड्रेस पे ये सेंड कर जाएगा जो एड्रेस यहाँ पे आप देंगे। तो दोस्तों ये स्टैम्प को इस तरह से आप लोग बाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस स्टैम्प को कलेक्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।